हे गाइस, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में। किसके बारे में? डेप्रिसिएशन। हम लोग ऑलरेडी अपनी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसको हमने नाम दिया है इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसको हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस वीडियो को देखें ताकि आपको डेप्रिसिएशन का मतलब, दैट इज मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, साथ में रीजंस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, और अगला है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो कि होते हैं दो, दैट इज SLM एंड WDV, और उसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी थी किसकी? जर्नल एंट्रीज की। सर, ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख लेंगे। मैंने बोला बिल्कुल पता चल जाएंगी, और होगा क्या, इन चार बातों को अगर कोई स्टूडेंट समझ लेता है तो वैसे भी उसे डेप्रिसिएशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, जिससे उसके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। वो भी कितने परसेंट पूरे? सर 100% हो जाएंगे, और हम लोग समझदार हो जाएंगे, और डेप्रिसिएशन जो कि स्कूल में एक बहुत भूत जैसा चैप्टर लगता है, वो सारा हमारा डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा पहले डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आज के लेक्चर को देखेंगे तो और मजा आने वाला है, राइट? तो सर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के अंदर? मैंने बोला आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, मशीनरी बोलूं या कोई भी असेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और साथ में मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर, एक छोटे से एग्जाम्पल के अंदर, ये भी बताऊंगा कि अगर हम किसी असेट को सेल कर देते हैं तो उस पर प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, और कैसे उसे हम अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करने वाले हैं। समझ रहे हो आज की बात? सर बिल्कुल समझ में आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके का ही आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ, और मशीनरी अकाउंट तो सर चलो सर हम बनाएंगे, साथ में क्वेश्चन बिना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करे बिना तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सर मशीनरी अकाउंट बनाना सबसे पहला टास्क, और मशीनरी अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, ये तो एग्जाम में सर आएगा ही आने वाला है। तो ठीक है ना, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाओ ताकि अपने किसको स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले लो, और फिर आ जाओ इस लेक्चर के ऊपर जहां पर आपको मशीनरी अकाउंट सीखोगे और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो आओ मेरे साथ साथ अब स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है सर मशीनरी अकाउंट, आपने बोला मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जो कि एक असेट अकाउंट है, हाँ कि ना? बिल्कुल, जो कि एक असेट अकाउंट है मशीनरी अकाउंट। सर ये कैसे बनेगा? मैंने बोला सामने देखना है, बड़ी छोटा सा मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको मेरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपसे अगर करूं कि मशीनरी अगर एक असेट अकाउंट है तो सबको पता है असेट बढ़ते हैं तो डेबिट में सर, और अगर ये घटते हैं तो क्रेडिट में सर। ये बात तो ठीक है। और अब मानो अगर सबसे पहले मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन की जब हमने बात करी थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, तो हमें पता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सर रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड असेट। मतलब जब भी टेंजिबल फिक्स्ड असेट की वैल्यू घटती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? डेप्रिसिएशन के नाम से। मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से हमेशा असेट की वैल्यू क्या होती है सर? असेट की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन बात आती है सर असेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब जब असेट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सर उससे पहले जरूर कुछ हुआ होगा। मैंने बोला 100% है, डेप्रिसिएशन लगने से पहले हमने असेट को क्या करा होगा सर? हमने असेट को परचेज करा होगा। तो ये हो गया कि सबसे स्टेज नंबर वन, पहले असेट को खरीदेंगे ऑब्वियसली सर, तभी तो असेट क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। अब आप लोगों के पास सुंदर सुंदर मोबाइल हैं, आप कह रहे हो सर उसके ऊपर भी क्या लगता होगा? डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन तो लगेगा तब ना जब पहले मोबाइल फोन होगा। अब आपके पास मोबाइल फोन है नहीं, आप कहते हो सर मेरे टेंजिबल फिक्स असेट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं। भाई डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे पहले मोबाइल तो खरीदो, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब पहला स्टेज होगा हमेशा डेप्रिसिएशन नहीं, असेट को परचेज करना, और असेट परचेज करने के बाद फिर उसके ऊपर साल के एंड में, हमेशा ध्यान रखना साल के एंड में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ईयर एंड पर। ये बात तो ठीक है। तो सर सबसे पहले असेट खरीदा जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल, और फिर उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो कुछ इस तरीके से होगी। असेट खरीदेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? मान लो मशीनरी खरीदने, तो एंट्री हो जाएगी सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू जेब में से पैसा चला जाएगा टू कैश अकाउंट। एक तरफ असेट बढ़ रहा है मशीनरी के नाम से इसलिए डेबिट, और एक तरफ असेट घट रहा है इसलिए क्रेडिट, हाँ कि ना? ये सर आपने एंट्री करी है असेट को क्या करने की? ये सर एंट्री हमने करी है असेट को
परचेज करने की, जैसा कि आपने बोला था ये वाली बात। उसके बाद सर आपने बोला था कि दूसरा जो काम होगा वो होगा साल के एंड में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब ये है कि हमारे असेट की वैल्यू क्या हो गई होगी। डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता था कि जब हमारे टेंजिबल फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाए, मतलब डेप्रिसिएशन एक हिसाब से हमारे लिए लॉस है। बिल्कुल, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि सबको पता है लॉस अगर बढ़ते हैं तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होते हैं सर, डेबिट में, और लॉस किस नाम से हो रहा है सर, डेप्रिसिएशन के नाम से। इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हमारे टेंजिबल फिक्स असेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। और हमारा टेंजिबल फिक्स असेट किस नाम से हमने खरीदा था सर, मशीनरी के नाम से खरीदा था, और अब डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। असेट बढ़ता था तो सर हमने मशीनरी को डेबिट करा था, आज डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम हो रही है तो मशीनरी कौन सी तरफ आ जाएगी सर, मशीनरी आ जाएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि अब असेट बढ़ नहीं रहा है बल्कि असेट की वैल्यू क्या हो रही है सर, असेट की वैल्यू कम हो रही है। मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत है लॉजिक में, जब मशीनरी खरीदी थी असेट बढ़ा था मशीनरी के नाम से, इसलिए मशीनरी को डेबिट करा और कैश को क्रेडिट करा। उसी हिसाब से जब साल के एंड में असेट ने अपनी वैल्यू को लूज करा तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे असेट की वैल्यू कम हो गई। डेप्रिसिएशन इसीलिए बिजनेस के लिए एक लॉस हो गया। उस डेप्रिसिएशन की लॉस की वजह से, लॉस जब बढ़ते हैं सबको पता है डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, और उस डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हमारे टेंजिबल फिक्स असेट की वैल्यू क्या हो गई सर, टेंजिबल फिक्स असेट की वैल्यू कम हो गई, और असेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। ये बात ठीक है? बिल्कुल सर। अगर अब हमें बनाना हो मशीनरी अकाउंट, बड़े ध्यान से देखना, अगर अब हमें बनाना हो मशीनरी अकाउंट तो कैसे बनेगा, आओ जरा, यही एंट्री है बस, ये देखो पहली एंट्री ये रही, असेट को खरीदना है सबसे पहले, ये देखो ये तो हमें पता है असेट को खरीदे। मान लो हम लोग 1 अप्रैल को असेट खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को हमने असेट खरीदा, तो असेट खरीदने की एंट्री तो ये रही, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल, हाँ कि ना। मान लो हमने असेट खरीदा कितने का, 1000 रुपये का, हमने 1 अप्रैल 2017 को असेट खरीदा, और साल के एंड में असेट पर क्या लगती है हर साल, डेप्रिसिएशन। असेट पर डेप्रिसिएशन लगती है तो सर मशीनरी की वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि मशीनरी की वैल्यू कम होती है सर। ये वाली एंट्री अब हमें लेजर में पोस्ट करनी पड़ेगी। तो देखो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट सर क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किस नाम से, पहले हम डेट लिखेंगे साल का एंड, डेट इज 31 मार्च 2000, क्या हो जाएगी डेट 2018 हो जाएगी सर, किस नाम से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मान लो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रही है तो कितनी लग रही होगी सर, 100 रुपये लग रही होगी, ठीक है ना। फिर साल के एंड में कितना बैलेंस बच जाएगा, 31 मार्च 2018 को कितने असेट की वैल्यू बची है, असेट था कितने का सर, 1000 रुपीज का, जिस पर 10% के हिसाब से डेप लग गई 100 रुपये। तो आज भी असेट कितने रुपए की वैल्यू रखता है, आज असेट की बस बची हुई वैल्यू है सिर्फ कितनी सर, 1000 की वैल्यू कभी हुआ करती थी, साल के एंड में 100 रुपये से वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, तो सर आज असेट की वैल्यू से बुक्स में कितनी दिखाई दे रही होगी, 900 रुपये। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट ईयर के एंड में असेट अकाउंट बनाया। अब बात आती है सर आगे क्या होगा, मैंने बोला अब होगा क्या, ये जो बची हुई वैल्यू है साल के एंड में असेट की वैल्यू कितनी बची थी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद सर, 900 रुपये बची थी, यही 900 अब अगले पीरियड की क्या बन जाएगी, बैलेंस बीडी। अगला पीरियड मतलब क्या, 1 अप्रैल 2018, यहाँ पर हमारी बुक्स क्लोज हो होगी 31 मार्च को, तो अगले दिन जब अपने बुक्स ओपन करी होगी तो डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2018, और ये असेट की अब क्या कहलाएगी, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितने रुपये की असेट की वैल्यू है अब, एक साल के बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद असेट की वैल्यू कितनी बची थी, 900, तो यही अब नेक्स्ट ईयर असेट की वैल्यू दिखाई दे रही होगी 900 रुपये से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये 900 इसकी मैं बात करूँ, ये यहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद फिर से वही काम, साल के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ, 31 मार्च 2000 कौन सा है, ये 2018 था, तो अगले साल जब साल का एंड आएगा दैट इज 2019 में फिर से क्या लगेगी सर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहता है सर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, तो इसलिए यहां पर भी कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी सर, पहले भी 100 की लगी थी, अभी भी कितने की लगेगी, 100 की, और 900 रुपए की असेट पर 100 रुपए की डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज 31 मार्च 2019 को असेट की कितनी वैल्यू दिख रही होगी, बाय बैलेंस सीडी, कितनी, 900 में से 100 की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लग गई, आज असेट की वैल्यू बुक्स में कितनी दिखाई दे रही होगी सर, सिर्फ दिखाई दे रही होगी ₹800, कितनी ₹800, ठीक है ना। पहले इतनी बात को ढंग से उतारो, नोट करो, बिल्कुल
तब आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो मतलब समझ गया आपकी, 2 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद सर असेट की कितनी वैल्यू बची है। सर असेट की वैल्यू बची है 2 साल के बाद कितने रुपीज, 800। पहले साल जब खरीदी थी तो 1000 की वैल्यू थी, फर्स्ट ईयर डेप लगा 100 रुपये का, तो वैल्यू बची सर 900 रुपये की। फिर 900 रुपये की जो वैल्यू बची हुई थी उसके अगले साल में फिर से डेप लगा कितने का सर 100 रुपये का, तो 900 रुपये पर अगर 100 रुपये की डेप्रिसिएशन लगी तो आज 2 साल के बाद असेट कितना नज़र आ रहा होगा, आज सर असेट 800 रुपये का नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखो तो 31 मार्च 2019 को असेट की वैल्यू कितनी दिख रही है, 800। यही अगला पीरियड, अगला पीरियड मतलब क्या, 1 अप्रैल 2019 को हम कहेंगे बैलेंस बीडी कितना दिख रहा है, बैलेंस बीडी सर दिखाई दे रहा होगा 800। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये थर्ड ईयर है। इसको मैं कह देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको जब नोट करोगे बड़े ध्यान से करना है। फर्स्ट ईयर का हो गया आप इसको सर, ये हो गया सर कौन सा ईयर, ये हो गया सर हमारा सेकेंड ईयर। और सर अब हम बात कर रहे हैं कौन से ईयर की, थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में असेट की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 800 रुपये। ऑब्वियसली सर फर्स्ट ईयर में जब खरीदी थी तो 1000 थी, पहले साल के एंड में डेप लगा तो वैल्यू बची 900, दूसरे साल के अंदर भी डेप लगी 100 की तो वैल्यू बची 800। तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू दिख रही होगी, ध्यान रखना है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग की वैल्यू है। बैलेंस बीडी का मतलब ही होता है शुरुआत का दिन 1 अप्रैल। तो आज 2 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, मतलब मैं आप आपको छोटा सा चार्ट भी बना के दिखाऊं, तो असेट जब खरीदा था तो कितनी वैल्यू रखता था, फर्स्ट ईयर की डेप लगाई थी तो कितनी वैल्यू बची थी फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर की डेप लगाई 100 रुपये, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में असेट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, कितना 800 रुपये का। यही मैं कह रहा हूँ ये वाली बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सर अब कुछ नया होगा थर्ड ईयर में, बड़े ध्यान से आप नोट करना इस बात को, देखना जरा इस बात को, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में नोट कर लो 1 अप्रैल 2019 को असेट की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 800 रुपये। अब हम कुछ नया करने वाले हैं यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखना। ये देखो अगर मैं इस मशीनरी अकाउंट को कंटिन्यू करूं थर्ड ईयर से, तो थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू दिख रही थी, 1 अप्रैल 2019 था, ये देखो ये रहा, तो 1 अप्रैल 2019 को असेट दिख रहा था कुछ इतना, किस नाम से सर, बैलेंस बीडी के नाम से, कितना रुपीज़ 800, कितना रुपीज़ 800। कौन सा वाला है सर, ये सर ये वाला अमाउंट, ये वाला, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2019 तो स्टार्ट हो चुका है हमारा, और 2019 के 1 अक्टूबर को, बड़े ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर को ये जो असेट हमारे पास कभी हुआ करता था कितने रुपीज़ का कभी हमने खरीदा था, वो असेट 1 अक्टूबर 2019 को सर क्या हो रहा है, सर ये असेट क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, 1 अक्टूबर 2019 को जो कभी 1000 रुपये का हमने असेट लिया था वो आज सेल हो रहा है। तो असेट सेल हो रहा है तो सर ये तो बात तो क्लियर है, अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो असेट सेल करने की, तो असेट को सेल करेंगे तो ये तो पक्का है कि असेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, मशीनरी हमारे पास आ रही है कि हमारे पास से जा रही है, सर जा रही है। और सबको पता सर असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लेकिन सर अगर असेट सेल हो रहा है तो असेट घट रहा होगा, तो असेट क्या होगा, असेट क्रेडिट होगा और पैसा हमारे पास आ रहा होगा। तो एंट्री कुछ इस तरीके से हो जानी चाहिए, कैश आ रहा है, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं सर, टू हमारी तरफ से क्या जा रही है, हमारी तरफ से हमारी प्यारी प्यारी मशीनरी जा रही है, तो मशीनरी एक असेट है और असेट कम होता है तो क्रेडिट, इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अगर 1 अक्टूबर को हमारे तरफ से असेट सेल हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2019 को मैं एंट्री करूंगा बाय बैंक या बाय कैश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैंक या बाय कैश, ये वाली एंट्री। खुद देखो मशीनरी क्या हो रही है, सर मशीनरी क्रेडिट हो रही है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है, तो किस नाम से आएगा, बाय बैंक या बाय कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, जब हम असेट को बेच रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसका अमाउंट आपको बताता हूं ये कितना बिक रहा होगा, लेकिन बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज सर, सर ये जो असेट बिक रहा है वो अक्टूबर के मतलब 2019 के स्टार्टिंग में नहीं बिक रहा, ये बिके 2019 को, कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर, मतलब ये जो 1 अप्रैल 2019 है से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक ये मशीनरी हमारे साथ थी, बताओ हाँ कि ना। हाँ सर बिल्कुल हमारे साथ थी, स्टार्टिंग में बिक गई होती तो बात अलग होती, लेकिन सर मशीनरी ने इस बारी भी, मतलब
फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक हमारे साथ दी है। तो कितने मंथ्स का साथ दी है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब मशीनरी इस साल भी कितने पीरियड के लिए तो हमारे साथ थी सर? 6 मंथ्स के लिए तो मशीनरी अभी भी हमारे साथ थी। इसका मतलब उस मशीन ने हमें 6 महीने अभी भी क्या करा है, हमें यूज़ करने का मौका दिया। हमने असेट को 6 महीने फिर भी इस्तेमाल करा है, और अगर असेट को हमने 6 मंथ्स के लिए यूज़ करा है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स के लिए तो क्या होनी चाहिए सर? 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए सर। लेकिन सर बात आती है जब हमने असेट खरीदा था कभी 1000 रुपये का, कितने का खरीदा था? हाँ कि ना, ये देखो हम लोगों ने असेट कितने का खरीदा हुआ है सर? ये रहा 1000 का खरीदा था, और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम हमेशा क्या मान के चल रहे थे? 10%। तो सर बात आती है जब असेट खरीदा था तो उस पर हम लोग सीधा 10% के हिसाब से हमने क्या बात करी थी? हमने कहा था हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 100 रुपये, जो कि हमने काम करा। लेकिन सर ये 100 रुपये तो तब चार्ज हो रही थी जब असेट पूरे साल के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जैसे कि अगर आप देखो पीछे स्लाइड में कि इस साल फर्स्ट ईयर भी असेट पूरा इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैंने पूरे असेट की वैल्यू पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन पूरी 100 रुपये चार्ज कर दी। दूसरे साल भी असेट पूरे साल हमारे साथ था, इसलिए मैंने फिर भी 10% के हिसाब से पूरी डेप चार्ज कर दी, पहले केस में भी और इस दूसरे केस में भी। लेकिन सर जब तीसरा साल आया तो असेट सिर्फ इस्तेमाल हुआ कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो मैं डेप्रिसिएशन भी उतने पीरियड की ही लगाऊंगा जितने पीरियड के लिए असेट हमारे साथ होता है। तो मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, और जितने पीरियड के लिए असेट मेरे साथ है मैं उतने पीरियड की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी इस एग्जांपल में कौन सा मेथड, और SLM के अंदर हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। बड़े याद रखने वाली बातें, ओरिजिनल कॉस्ट पर। कभी कभार तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, SLM मेथड को बोलता ही नहीं है, क्वेश्चन कहता है आप ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट वर्ड आ गया तो समझ जाना बात हो रही है कौन से मेथड की ही, स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो अब जो डेप्रिसिएशन मैं लगाने वाला हूँ वो कितने मंथ्स के लिए लगाने वाला हूँ? 6 मंथ्स के लिए। तो देखना जरा क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट तो असेट की कितनी थी? 1000, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कितना ही था सर? 10%। लेकिन अब डेप लगेगी सर कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो मेरे को करना पड़ेगा 6/12, तो जाके मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आती थी? 100 रुपये। तो 6 मंथ्स की कितनी डेप आ जाएगी सर? 6 महीने की आ जाएगी सर मेरी डेप्रिसिएशन का अमाउंट 50 रुपये। अब मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर बस पोस्ट करूँगा। देखो डेप्रिसिएशन वैसे हमेशा हर साल देखो कौन सी डेट को लगती थी, ध्यान से देखना सर, डेप्रिसिएशन तो लगती थी कब? 31 मार्च को। लेकिन भाई ध्यान रखो ना, ये जो 31 मार्च को मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा था वो तब पॉसिबल हो पाया जब असेट पूरे साल के लिए हमारे साथ था। तो जब मैं अपनी बुक्स को क्लोज करता था उस समय मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता था। लेकिन ये जो केस है सर, थर्ड केस, थर्ड ईयर वाला, थर्ड ईयर में तो असेट सिर्फ है ही कितने पीरियड के लिए हमारे साथ? 6 मंथ्स के लिए। और कौन सी डेट को? तो सेल हो गई 1 अक्टूबर को। तो मुझे डेप्रिसिएशन में मुझे कौन सी डेट को निकालनी पड़ेगी? मुझे डेप्रिसिएशन भी सर उसी दिन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो असेट है वो साल के एंड तक तो जा ही नहीं रहा है, वो उससे पहले ही बिक गया सर। तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो एंट्री तो वही रहेगी बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन ब्रैकेट में समझाने के लिए मैं लिख दूंगा फॉर 6 मंथ्स, और लिख दूंगा अगर ये मान लो मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है तो मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पर भी लिख दूंगा फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। कितना अमाउंट सर? अमाउंट है हमारा 50, तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब बात आती है सर आज की जो मेन बात है, आपने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना सिखाओगे, मैंने बोला बिल्कुल सिखाऊंगा, बस ध्यान से देखो। अब देखो जरा 2019 के स्टार्टिंग में असेट की कितनी वैल्यू बची थी, बड़े ध्यान से देखना, कितनी वैल्यू बची थी सर? 800 रुपये बची थी। 800 रुपये वैल्यू बची थी जिस पर और 50 रुपये की डेप्रिसिएशन लग गई, बताओ हाँ कि ना सर? लग गई, बिल्कुल लग गई है। तो आज असेट की वैल्यू 1 अक्टूबर को बची कितनी? आज 1 अक्टूबर को असेट की वैल्यू बची कितनी, जो कि कभी हुआ करती थी, बड़े ध्यान से, 1 अप्रैल 2019 को तो असेट की वैल्यू कितनी थी सर? 800, जिस पर और 6 महीने का डेप लग गया 50 रुपये का। तो आज 1 अक्टूबर 2019 को असेट की कितनी वैल्यू दिख रही होगी? आओ इसको जरा अगले वर्किंग नोट में सीखते हैं। ये देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ वर्किंग नोट नंबर 2, और मैं लिखूँ इस वर्किंग नोट का नाम क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यही तो है। अब बात आती है सर हमें अब निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस निकालना आप सिखा रहे हो, कैसे निकलेगा सर? मैंने बोला सामने देखो, बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। प्रॉफिट या लॉस निकालना है उसके लिए करना क्या है,
ये तो सब लोग जानते हैं, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, नॉर्मली तो ऐसा ही होता था ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गिव्स अस प्रॉफिट, सर ऐसा ही होता था बिल्कुल। तो यहां पर भी कुछ बात इसी जैसी है, यहां पर लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिशिएशन के केस में क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दी होगी हमें, सेल वैल्यू, मतलब जितने रुपए का असेट बिक रहा है, तो सेल वैल्यू या सेल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उस सेल वैल्यू में से मेरे को असेट की क्या माइनस करनी पड़ेगी, बुक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, बड़े ध्यान से देखना, तो आ जाएगा क्या, प्रॉफिट या लॉस। सर ये बुक वैल्यू ये नहीं समझ में आया, मैंने बोला सुनो बुक वैल्यू क्या होती है, असेट की बुक वैल्यू तब निकल के आती है जब मान लो जो कॉस्ट ऑफ असेट होती है उसके ऊपर रेगुलर क्या लगती रहती है, डेप्रिसिएशन, हाँ कि ना, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम लोग, देखो सामने देखो, यहां पर हमने कभी असेट लिया था कितने का, 1000 का, तो वो कॉस्ट ऑफ असेट ही तो था, बिल्कुल सर, उस असेट की कीमत में से बार बार डेप्रिसिएशन लगती जा रही थी, 100 रुपए की पहले साल लगी, तो ये जो 900 रुपए बची है वैल्यू कॉस्ट ऑफ असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम असेट की क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। तो दूसरे साल के एंड में असेट की वैल्यू कितनी बची थी सर, 800, और तीसरे साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी असेट की वैल्यू कितनी बची होगी, 800 रुपए का असेट ऑलरेडी बचा था थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में, और 6 महीने की और डेप लग गई, कितने रुपीज, 50 रुपीज। तो देखो जरा, तो असेट की वैल्यू थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में थी कितनी, 800 में से उस पर डेप्रिसिएशन और कितने की लग गई, 50 रुपए की। तो आज थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो बुक वैल्यू बची कितनी असेट की, सर बुक वैल्यू बच गई असेट की कितनी, रुपीज 750। बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ कि ना, मतलब इस ध्यान रखो, ये कौन सी ईयर की बात हो रही है सर, सर ये बात हो रही है थर्ड ईयर की, जब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग है, असेट की वैल्यू कितनी बची हुई थी, 800, और 6 मंथ्स का डेप 50 रुपए लगने के बाद असेट की वैल्यू जो बची है, ध्यान रखना असेट की कॉस्ट में से उस पर जितनी भी डेप्रिसिएशन लग चुकी हैं उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो असेट की बुक वैल्यू कहलाती है, ये बात तो ठीक है। और इस बुक वैल्यू को कंपेयर करा जाता है फिर किससे, सेल वैल्यू से, तो जाके निकल के आता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। आज हमारा असेट दिख रहा है कितने का, 750 रुपए का, और अगर मैं बोलूं इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सिर्फ कितने है, ₹600। तो अब जरा बड़े ध्यान से देखो, असेट हमारा था कितने का बचा हुआ, 750 का, और बिक सिर्फ कितने का रहा है, 600 का। तो खुद देखो, अगर मैं सेल वैल्यू की जगह वर्ड डाल दूं, क्या सेल वैल्यू की जगह वर्ड डाल दूं सर, 600, और बुक वैल्यू कितनी है सर, बुक वैल्यू है 750। तो देखो बड़े ध्यान से, ये 750 है, तो साफ साफ नजर आ रहा है सर, 150 रुपए का बिजनेस को क्या हो गया, 150 रुपए का बिजनेस को लॉस हो गया, बताओ हाँ कि ना। तो इसका मतलब अगर मैं बस ये सात, बुक वैल्यू मेरी कितनी थी, बुक वैल्यू माइनस सेल प्राइस गिव्स अस प्रॉफिट या लॉस, बुक वैल्यू असेट की बची कितनी थी, 750, ये वाली सर, जिस पर वो बिक कितने की रही थी, सिर्फ 600 रुपए की। तो खुद सोचो, हमारे असेट की वैल्यू जो बचती है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, वो बची हुई है सिर्फ 750 की, और बिक सिर्फ 600 रुपए की रही है, तो सर साफ साफ नजर में आ रहा है 150 रुपए का बिजनेस को क्या हो गया, सर 150 रुपए का बिजनेस को बुरी तरीके से घाटा हो गया, नुकसान हो गया सर, लॉस हो गया। ये बात तो ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब आते हैं जरा पीछे, और सेल वैल्यू की जगह कितने रुपए का हमने माना असेट बिका है हमारा, हमने माना हमारा असेट 600 का बिका है। तो आओ जरा इसको पहले फिल कर लें, हमने यहाँ पर ऊपर पहले लिखा था बाय बैंक जितने का असेट बिका, तो असेट कितने का बिका हमने माना है, असेट हमारा बिका सर 600 रुपए का, और असेट की बुक वैल्यू कितनी बची थी, 800 में से 50 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है सर उसे हम असेट की क्या बोलते थे, ये वाली बात सर, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बची थी सिर्फ 750, मतलब असेट की कीमत बची थी 750, और ये 750 वाला असेट सिर्फ बिक गया कितने का, 600 का, तो हमें 150 रुपए का नुकसान हो गया, 150 का नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या होगी जरा सामने देख लो एक बार। अच्छा मुझे बताओ, अगर हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अगर हो रही है, तो बताओ अगर एक असेट को बेचने पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उससे उस असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि घटते हुए नजर आ रही है, सर ऑब्वियसली अगर लॉस हो रहा है तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है, बिल्कुल सर असेट की वैल्यू घट रही है, और असेट की वैल्यू घटती है तो असेट कहाँ दिखता है सर, क्रेडिट में, और लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें एक अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है जिसका नाम होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट जो हर साल क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम ही क्या है कि एक तरफ रिकॉर्ड करो बिजनेस की सारी इनकम्स और एक तरफ रिकॉर्ड करो सारे बिजनेस के लॉस या एक्सपेंस। सबको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अब अपने आप बताओ, यहाँ जो असेट बिक रहा है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस दे रहा है? सर वो हमें लॉस दे रहा है। लॉस दे रहा है तो बताओ पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा कि पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? सर पीएनएल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और ऑब्वियसली सर असेट की वैल्यू घटी है तो असेट तो क्या हो रहा है, साफ साफ क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, असेट की वैल्यू घट गई, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ हमें, पीछे देखो जरा कितने का लॉस हुआ है। सर हमें लॉस हुआ है, ये रहा हमें लॉस हुआ है पूरे 150 रुपए का, ये वाला सर बात एक ही है, 750 की बुक वैल्यू बची थी असेट की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, उसे बेचा सिर्फ 600 रुपए में, तो 150 रुपए का नुकसान है। तो मैं जर्नल एंट्री में इसको फिल कर देता हूँ रुपीज 150 और रुपीज 150, ठीक है ना। अब इसको मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। आओ जरा मशीनरी अकाउंट क्या हो रही है, सर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रही है, लॉस की वजह से असेट की वैल्यू कम हो गई है। तो आओ जरा इसको फिल करें। तो यहाँ मशीन की वैल्यू क्योंकि कम हो रही है क्योंकि लॉस पर बिक रहा है, तो हमें यहाँ एंट्री डालनी पड़ेगी 1 अक्टूबर को, क्या 1 अक्टूबर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का लॉस हुआ है हमें, हमें लॉस हुआ है सर 150 रुपए का। कितने का सर, 150 रुपए का। ऐसे करके क्या हुआ, हमारा असेट बिक गया और उस पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। और अगर आप टोटल करोगे तो दोनों साइड टैली ऑब्वियसली होंगी ही होंगी, 800 और यहाँ पर भी कितना 800, 600 प्लस 50 प्लस 150 रुपए का नुकसान। ऐसे करके हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा, जो कि हो भी गया। तो अब देखने वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अगर मैं क्विक आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या क्या आज डिस्कस करा, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाना ही जाना है भाई। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वो वीडियो मिलेगी जो आपके डेप्रिसिएशन का पूरा इंट्रो पार्ट क्लियर करने वाली, इतना लॉजिकल वे में कि अगर स्कूल में कभी कोई वाइवा होता है ना तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप कहोगे सर हमें तो आता है, टीचर कहेगी वाओ कितने प्यारे बच्चे हैं, इनको तो सब कुछ आता है जो मैंने भी नहीं बताया, इन बच्चों को तो वो भी आता है। तो इतना कॉन्फिडेंट अगर आपको होना है तो देखनी पड़ेगी वो वीडियो, बिल्कुल देखो। और इस वीडियो के अंदर हमने जो मेन डिस्कशन करी है, हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाया सर, और साथ में उस पर कैसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है हमने उसकी भी बात करी। उसके बाद फिर हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट करा और हम लोगों ने इस लेक्चर में मशीनरी अकाउंट बनाया, जहां पर हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। हमने माना असेट की कितनी है वैल्यू, 1000 रुपीज, और 10% के हिसाब से हमने उस पर डेप लगाया। SLM मेथड हम लोगों ने फॉलो करा है, ओरिजिनल कॉस्ट पर असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन SLM में हमेशा क्या रहती है सर, सेम रहती है। इसीलिए 100 लगी है, दूसरे साल भी 100 ही लगी है, क्योंकि पूरे पूरे साल इस्तेमाल हुआ है असेट। और थर्ड ईयर में जाके हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करा, और हमने थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर 2019 में जाके हमने असेट को क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। तो 6 मंथ्स तो अभी भी हमने असेट को यूज़ करा था, इसलिए 6 मंथ्स पर तो उस पर भी डेप चार्ज हो गई है हमारी, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उसके बाद हम लोगों ने अगले स्लाइड में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने बातें सीखी कि अगर हम अपने बुक वैल्यू में से सेल वैल्यू को माइनस कर दें, बुक वैल्यू का मतलब था जो असेट की वैल्यू बचती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, उस वैल्यू को हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं, और उस बुक वैल्यू को कंपेयर करा जाता है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है, जैसे कि हमने 150 रुपीस का कैलकुलेट करा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बस स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपने खुद फील करा होगा कि सर इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बहुत मज़ेदार टॉपिक भी था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे 9315548 0, तो हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पांस देने वाली है। ये आप बिल्कुल चिंता ना करें इस चीज़ की, तुरंत जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिलेंगे। और फर्दर आपको जो कभी लिंक्स की ज़रूरत पड़े तो आपको इस नंबर पर ही व्हाट्सएप करना है। नोट्स चाहिए तो आप लिंक मुझसे मांगें, टेस्ट चाहिए तो आप मुझे बताएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो देखो आपके साथ है ही, ठीक है ना।
बस रेगुलर बने रहें, पढ़ते रहें, नॉलेज अपग्रेड करते रहें ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बस लगे रहें, गॉड ब्लेस।